अगर घर में बनाए रखना चाहते हैं सुख शांति, तो महिलाएं भूल कर न करेगी 11 बड़ी गलती, छा जाएगी कंगाली। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उन्हें घर की अन्नपूर्णा कहा जाता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में महिलाएं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसका सीधा असर घर की सुख शांति पर पड़ता है, जिस कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी हैं वो गलतियां और इनसे कैसे बचा जा सकता है। नंबर एक, घर को साफ सुथरा रखना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं पाती हैं और घर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है। जगह जगह घर में जाले लग जाते हैं, घर में जगह हो या फिर घर के कोनों में कूड़ा इकट्ठा होने लगता है। ऐसा करने से घर की शांति भंग होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। महिलाओं को चाहिए कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज सफाई करें और जाले कभी भी ना लगने दें। नंबर दो, पहले के समय में लोग सुबह उठते ही स्नान करते थे, उसके बाद रसोई का काम और घर के काम करते थे, क्योंकि घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवन शैली में महिलाओं को सुबह किचन में प्रवेश करते समय ये ध्यान नहीं होता है कि किचन में प्रवेश करने से पूर्व स्नान कर ले। कहा जाता है कि किचन मंदिर के समान होता है, इसलिए खाना बनाने से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करने से अशुद्ध भोजन बनता है और घर के सदस्यों का मन भी अशुद्ध होने लगता है, जिससे घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। हमेशा सुबह उठकर स्नान करके ही किचन में प्रवेश करें, ऐसा करना घर की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर तीन, आज के समय में कितने घर आपने देखे होंगे जहां सुबह के समय झाड़ू पोछा किया जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दरवाजे से ही उल्टे पांव लौट जाती है, घर में धन हानि होने लगती है। यदि किसी वजह से झाड़ू लगानी भी पड़े तो कूड़ा घर से बाहर ना निकालें। नंबर चार, महिलाओं की खास आदत होती है कि वो कंघी करके बालों का गुच्छा कूड़ेदान में फेंकने की बजाय कहीं भी इधर उधर फेंक देती हैं और बाल पूरे घर में उड़ते रहते हैं। ऐसा करने से घर के सुख शांति में कमी तो आती ही है, साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। नंबर पाँच, आजकल कुछ महिलाएं या तो घर के काम में व्यस्त होती हैं और कुछ महिलाएं सुबह उठते ही ऑफिस की भागदौड़ में व्यस्त रहती हैं, जिस कारण उन्हें ईश्वर का ध्यान ही नहीं आता और सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक भी प्रज्वलित नहीं करती हैं। ऐसा ना करना और संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत कष्टकारी साबित हो सकता है। महिलाओं को हमेशा घर में सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर छः, कभी भी गैस को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में हर काम जल्दबाजी में होता है और इसी जल्दबाजी में महिलाएं खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा साफ करना ही भूल जाती हैं और गंदी गैस पर ही दोबारा खाना बना लेती हैं। ऐसा करने से खाने की शुद्धता भी नष्ट हो जाती है, साथ ही घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। नंबर सात, महिलाएं हो या घर का कोई भी सदस्य, कभी भी घर की दहलीज पर बैठकर खाना ना खाएं। अक्सर शाम के समय लोग घर में दरिद्रता आती है और घर की सुख शांति में ग्रहण लग जाता है। नंबर आठ, महिलाओं को सुबह उठकर किसी भी लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए, चाहे वो उनके बच्चे हों या उनके पति, ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। नंबर नौ, महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को हमेशा खड़ा करके ना रखें और ना ही ऐसी जगह पर रखें जहां किसी अतिथि की नज़र पड़े, क्योंकि झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। नंबर दस, कहा जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए अगर आप घर की सुख शांति चाहती हैं तो घर में आए मेहमान का सम्मान करें, साथ ही अपने से बड़ों का आदर करना सीखें। नंबर 11, घर में कूड़ा कबाड़ा और टूटे फूटे बर्तनों को रखने से बचें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
यदि आप भी अक्सर कुछ ऐसी ही गलती करते हैं तो घर की सुख शांति के लिए अपनी ये आदतें आज ही बदलते, क्योंकि घर उन्नति की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।